गाइज ऑलराइट वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज अगर आप भी पिक्सआर्ट टाइप का यूज करके अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक यानी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको सिखाया है कि आप इस तरीके की डार्क बैकग्राउंड वाली फोटो एडिट कैसे कर सकते हो बहुत सिंपल से स्टेप्स में। गाइज इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन करके रखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गाइज हमने गैलरी के अंदर से इस फोटो को ओपन कर लिया। अब गाइज यहां से सेंड पे आपको क्लिक कर देना है देन गाइज इस फोटो को आपको ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो गाइज हमने पिक्सआर्ट ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो गाइज हमने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया एंड गाइज सबसे पहले आपको रिसाइज करना है तो इसके लिए जाना है आपको टूल्स पे, रिसाइज पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से इसकी अमाउंट आपको 6000 डाल देनी है। ठीक है, 6000 डालने के बाद यहाँ पे आपको 2590 सजेस्ट होगा डालने के लिए तो इसकी विड्थ आप डाल देना है यहाँ पे 2590। ठीक है, देन के यहाँ से आपको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज कर लेने के बाद आपकी फ़ोटो की जो एक्चुअल साइज होगी वही उसी साइज़ में आपकी फ़ोटो एक्सपोर्ट भी होगी। इससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी में बिल्कुल भी मतलब कमी नहीं आएगी, जितनी क्वालिटी रहेगी उतने में ही एक्सपोर्ट होगी। तो गाइस अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है टूल्स पे एंड यहाँ से आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है एंड यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है लगभग इतना एंड अब गाइज आपको शैडोज को भी कम कर लेना है तो शैडोज को लगभग -8 एंड इतना काम आपको कर लेना है गाइज देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। ओके, अब गाइज आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है यानी इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा फिल्टर मिल जाएगा। आपको गाइज यहाँ से जाना है कलर्स पे, कलर्स में जाने के बाद यहाँ भी आपको बहुत सारा कलर्स का इफेक्ट मिल जाएगा आप देख पा रहे हो एंड यहाँ पे गाइज आपको जाना है कलर स्प्लैश पे देन कुछ ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है इसे आपको अपनी स्किन के किसी भी एक जगह पे लाकर इस तरीके से रख देना है। एंड गाइज अभी आप देख पाओगे कि कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया एंड आगे ये जो आपको मीन ह्यू दिख रहा है इसे आपको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेना है एंड ये जो मैक्स ह्यू है इसे आपको थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड की तरफ करना है बिल्कुल ही, तो लगभग इतना हम कर देते हैं। एंड गाइज अभी देख पाओगे कि फ़ोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है एंड पूरा बैकग्राउंड जो है डार्क हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से गाइज अब आपको डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद गाइज अभी देखोगे फ़ोटो कितना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। अब गाइज आपको जाना है यहाँ से ब्यूटी वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ से गाइज आपको ऑटो पे क्लिक कर देना है। इससे मतलब आपकी फेस की एडजस्टमेंट अभी आप देख पाओगे गाइज बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ से गाइज थोड़ा सा आपको और इंक्रीज कर लेना है। यहाँ से गाइज आपको डन कर लेना है। अब यहाँ से गाइज आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है, डिटेल्स थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड डन। ठीक है, अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि आपके फेस की एडजस्टमेंट भी हो गई यहाँ पे, लेकिन अभी भी देख पा रहे हो कि कलर्स उतना ज़्यादा फेस पे अभी मतलब थोड़ा सा फेस जो है डार्क दिख रहा है, तो फेस को अगर आपको और ज़्यादा लाइट करना है तो इसका भी सोल्यूशन है गाइज। यहाँ से गाइज आपको जाना है ड्रॉ टूल के अंदर, ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद इस फोटो को आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ से 3 डॉट मर्ज कर लेना है देन गाइज आपको इस पे क्लिक करके इरेजर पे 1% कर लेना है। ठीक है, 1% कर लेने के बाद लेयर को ऑफ करना है देन यहाँ से ड्रॉ करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो गाइज हमने फोटो को सेव कर लिया एंड गाइज इस फोटो को अब हम ओपन करेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो गाइज हम फोटो को कर लेते हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन, तो फोटो को हमने स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया। अब गाइज आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ से गाइज आपको ट्यून इमेज के अंदर जाना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है एंड यहाँ से एम्बियंस को आपको बढ़ा लेना है, साथ ही साथ हाइलाइट्स को कम कर लेना है एंड शैडोज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है देन यहाँ से आपको डन करना है। ओके, अब गाइज आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपनी फेस को सिलेक्ट कर लेना है देन यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को कम कर देना है। ठीक है, तो गाइज इतना काम आपको कर लेना है। अब इसी आपको हैंड पे भी चलाना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को कम कर देना है। ठीक है, देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। अब गाइज आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ से गाइज आपको पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेना है देन यहाँ से गाइज आपको स्किन स्मूथिंग को आपको बढ़ा देना है, लगभग यहाँ पे मैं 63 रख रहा हूँ, आप इसी के अराउंड रख सकते हो देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। तो गाइज अभी देख पाओगे बिफोर आफ्टर फोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं एंड अभी फ़ोटो बहुत ही मस्त लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी बाकी है।
अब गाइज आपको जाना है इस पेंसिल वाले आइकॉन पे, यहाँ से गाइज आपको जाना है कप्स पे। कप्स पे जाने के बाद गाइज यहाँ से आपको ये नीचे से थोड़ा सा कम कर लेना है, लगभग इतना। आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, तो हम लगभग इतना कम रखेंगे। एंड ये बीच से आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, लगभग इतना। आप देख पा रहे हो कि बीच से हमने बढ़ा दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है। अब इसे आपको अप साइड से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, मतलब ऊपर की तरफ कर देना है। देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। ओके, डन कर लेने के बाद गाइज अभी आप देख पाओगे कि डार्क कलर का इफेक्ट, मतलब डार्क इफेक्ट कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है बैकग्राउंड में। तो गाइज जितना काम आपको कर लेना है, अब गाइज इस पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर शार्पनिंग को आपको डालना है, तो डिटेल्स पर जाना है, शार्पन को बढ़ा देना है, देन यहाँ से आपको डन कर लेना है। तो गाइज अभी देख पाओगे कि फ़ोटो बहुत ही अच्छा एडिट हो गया। अब यहाँ से सिंपली शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके फ़ोटो को आप सेव कर सकते हो। तो गाइज ये फ़ोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गई। एंड इस फोटो के गाइज अंदर एक चीज़ हमने और करी है, वो है बैकग्राउंड को ब्लर एंड बूके का इफेक्ट। तो गाइज अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं आती, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, 5 मिनट की वीडियो है, आप देख लीजिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं एंड बूके का इफेक्ट कैसे डालते हैं। तो आप देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। So I will see you in the next video guys. Love you all. Take care. Bye bye.